गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पोल साइंस में जो हमारा सेवन्थ लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वो कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट बुक दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी के बारे में तो सब जानते होंगे क्या होती है मनी, बिकॉज विदाउट मनी वी कांट इमेजिन एनीथिंग। पता है ना आप सभी को कि अगर मनी होगी तभी जो है हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। इवन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं अगर हम उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है दैट इज़ मनी। विदाउट मनी हम जो है कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके तो हम इस लेसन में मनी एंड क्रेडिट के बारे में ही रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज़ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो एज अ मीडियम यूज़ होती है ऑफ एक्सचेंज, मनी को एक्सचेंज करके आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसा है उसके हिसाब से ही देखा जाएगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। पेइंग कैपेसिटी का मतलब है आप कितना पे कर सकते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, आपका रहने का जो स्टैंडर्ड है, आपका जो मीन्स आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, तो मनी पर ही हमारी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड करती है, स्पेशली इस टाइम पर। पहले मनी का इतना नहीं था बट आज के टाइम में अगर हम मनी की बात करें तो मनी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। द यूज़ ऑफ मनी स्पांस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आर एवरी डे लाइफ। लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मनी का तो हमारे एक सिंगल डे में ही हम कितनी सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं जो मनी के थ्रू होती हैं। ठीक है, अब हमें एक दिन में कितनी बार खाना खाना पड़ता है। अब खाना खाने के लिए हमें मार्केट जाना होगा, मार्केट जाने के बाद हमें क्या सब्जियां लेनी होगी। ठीक है, सब्जी रोटी के लिए हमें क्या ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं। सब्जियां लेने जाएंगे तो सब्जी वाले को पैसा ही तो देंगे ना, जितना आप पैसा दोगे उसके हिसाब से वो आपको चीज़ देगा, उसके हिसाब से वो आपको वेजिटेबल्स देगा। उसके बाद जो है आप रोटी के बारे में सोच सकते हो। ओके, तो एक दिन में जितनी ट्रांजेक्शन्स हमें करनी पड़ती हैं वो सब जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो विद द यूज़ ऑफ मनी ही होती हैं। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बींग बोट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बींग एक्सचेंज विद मनी। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रोमिस टू पे लेट मनी लेटर। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे पूरे दिन में वो होती हैं विद द यूज़ ऑफ मनी। एक दिन में काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। अब जैसे अगर हमें खाना खाना है तो भी हमें सब्जी लेनी पड़ेगी। अगर अब जैसे हम एक दिन में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, बाहर घूमने के लिए भी हमारे पास मनी होगी तभी हम सोचेंगे मनी घूमने के बारे में। ओके, और काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं एक्सचेंज करके विद मनी। ठीक है, अब जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ने ही आते हो तो उसके लिए भी तो आपको पे करना पड़ रहा है ना। अगर स्कूल में आ रहे हो तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, ये है सर्विस का एक्सचेंज। आपको टीच किया जा रहा है, टीच करने के बदले में आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। इट मींस हमारे जो हमारी मतलब लाइफ है वहाँ हम विदाउट मनी कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। मनी है तभी हम अच्छे से लाइफ जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, हैव यू एवर वंडर व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हर ट्रांजेक्शन मनी में ही क्यों होती है, हमें पैसा ही क्यों देना पड़ता है तब जाकर हमें चीज़ मिलती है। द रीज़न इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वॉन्ट। दस एवरी वन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वॉन्ट। मतलब सभी यही चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ हो जिसको देने पर हमें सभी वो चीज़ें मिल जाएँ जो हम चाहते हैं। अब वो अब मनी के टर्म में है। जब भी हम मार्केट जाते हैं, जब हमारे पास काफ़ी पैसा होता है, जितना हम सोच कर जाते हैं कि ठीक है ये हमारा बजट है हमें चीज़ें लेनी है, और हम काफ़ी खुशी से जाते हैं कि ठीक है जो हमने लेना है हमें मिल सकता है बिकॉज हमारे पास मनी है। अब मनी दो, जो भी चीज़ लेनी है लो। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि हम कैसे मनी का एक्सचेंज करके जो भी लेना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया गया है। ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट।
ओके सबसे पहले जैसे शूज मैन्युफैक्चर की बात की गई है कि शूज मैन्युफैक्चर क्या करता है, सबसे पहले शूज़ बनाता है, शूज़ को मैन्युफैक्चर करने के बाद जो है वो फिर क्या करेगा, उसको सेल करेगा, सेल करने के बाद जो उसके पास पैसा आएगा, पैसा उसके पास जब आ जाएगा तो उससे जो है वो वीट खरीदेगा, अनाज खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब उसको पता है कि अगर मैंने गेहूं या अनाज वगैरह खरीदना है उसके लिए मुझे मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा होते ही मैं वो चीज़ खरीद सकता हूं। उसके बाद क्या, इमेजिन हाउ मच मोर डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज़ फॉर वीट विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। और अगर इसी के केस में हम बात करें कि अगर शू मैन्युफैक्चरर को बोल दिया जाए कि आप जो है मनी का एक्सचेंज करके नहीं वीट ले सकते, आपको डायरेक्टली सेल करना है। अब जैसे आपके पास शूज़ है, आपको जाना है फार्मर के पास, फार्मर को बोलना है कि आप शूज़ के बदले जो है मुझे वीट दे दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा शू मैन्युफैक्चरर को कि वो जो फार्मर है वो चाहता है या नहीं चाहता, क्लियर। उसके बाद देखो, ही वुड हैव टू लुक फॉर अ वीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वॉन्ट्स टू सेल वीट बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय द शूज इन एक्सचेंज, दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। अगर मनी की जगह यही एक कंडीशन दे दी जाए कि शू मैन्युफैक्चर को फार्मर को देखना होगा कि पहले शू मैन्युफैक्चर को फार्मर्स को शूज़ देने होंगे, फिर फार्मर जो है वो शू मैन्युफैक्चर को वीट देगा, इस केस में क्या होता है, दोनों पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी होता है कि पहले फार्मर भी एग्री होना चाहिए शूज़ लेने के लिए, शूज़ वाला भी एग्री होना चाहिए वीट लेने के लिए, ओके तो दोनों पार्टीज़ को दोनों कॉमोडिटीज़ लेने के लिए एग्री होना पड़ेगा। दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, और इसे ही क्या बोला जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। व्हाट अ पर्सन डिज़ायर्स टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज टू बाय, मतलब एक पर्सन जो कुछ बेचना चाहता है तो दूसरा पर्सन उसको खरीदने के लिए एग्री भी तो होना चाहिए ना। अब अगर शू मैन्युफैक्चरर बेचना चाहता है अपने शूज़, तो वीट जो फार्मर है वो भी तो एग्री होना चाहिए शूज़ के बदले वीट देने में। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज एन एसेंशियल फीचर। मतलब अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें जहाँ पर बिना मनी के गुड्स जो है एक्सचेंज किए जाते हैं, वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है वो एसेंशियल फीचर माना जाता है। इन कंट्रास्ट इज एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। मतलब अगर हम ऑपोजिट बात करें तो क्या होगा कि जो इकोनॉमी जहाँ पर मनी का यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शू मैन्युफैक्चरर को देखना ही नहीं पड़ेगा, फार्मर वीट सेल करना चाहता है नहीं करना चाहता, शूज़ लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, अरे उसके पास सिर्फ सीधा पैसा है, पैसा देगा चीज़ लेगा, तो यही तो करेक्ट ऑप्शन है। नहीं तो हमें सामने वाले पर्सन को देखना पड़ेगा कि हमने चीज़ लेनी है वो देना चाहता है नहीं लेना देना चाहता, या हमारी जो चीज़ है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, ओके तो इससे क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स जो है वो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हमें अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरों की डिज़ायर्स को देखना नहीं पड़ता। All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called as medium of exchange. और इसी वजह से ही money को medium of exchange बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमें किसी और party पर किसी और person की desires पर depend नहीं रहना पड़ता, सिर्फ हमें money देनी है और अपना काम complete करवाना है, okay? तो इसलिए डबल जो आपको बोला गया है यहाँ पर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इस कंडीशन से बचने के लिए ही मनी का यूज़ किया जाता है। मनी को जो है एक टर्म बोल दी गई है एक्सचेंज के लिए यूज़ करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। सो यू हैव टू रीड दिस लेसन एंड इस इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करना है, ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।